राजनीति। मंत्री जी, क्या फैसला हुआ? क्या तुकाराम को पार्लियामेंट दे दिया जाएगा? मजाक है क्या? कोई भी आदमी कुछ भी आकर मांग लेगा, सरकार उसे दे देगी क्या? देखिए, तुकाराम को ना ताज मिलेगा ना पार्लियामेंट। घंटा मिलेगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है, सरकार तुम्हें पार्लियामेंट दे देगी? जे ताज भी गया और पार्लियामेंट भी। देख लेना, जे विसर्जन यादव करा गया तुम्हारे अरमानों का विसर्जन। जब माइला इधर हर आदमी चोर है, आम आदमी को बस घुमाते रहने का, गोल 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 गोल। अभी बहुत घूम लिया मैं। अभी मेरे साथ वही आदमी बात करने को आना मांगता है जो कंप्लीट ईमानदार है, न कभी रिश्वत लिया होएगा न रिश्वत दिया होएगा, और वो भी 24 घंटा का अंदर। नहीं तो राय भवानी शपथ, देख लेना यार तुकाराम राव साहब मराठी क्या करता है। कुल 24 घंटा। अरे हम ही पूछते हैं भैया कि इतने कम समय में कहां से ढूंढ के लाओगे सच्चा और ईमानदार आदमी? अरे भैया, इतने बड़े देश में कोई तो सच्चा और ईमानदार होगा। अरे होगा तो ढूंढो उसको भाई। खबर आई है, 24 घंटे खत्म होते ही तुकाराम बुलडोजर लेकर ताज की तरफ निकल चुका है। सर, वो बैरिकेडिंग तोड़ करके ताज की तरफ जा रहा है। ऑर्डर दीजिए सर। देखो, ये बखत ऑर्डर लेने का नहीं है, एक्शन करने का है। बस मार दो गोली। पक्का मार दूं? अरे मार दो गोली। ठीक है सर। तुकाराम रुक जा, नहीं तो मैं आज गोली मार दूंगा। आज मुझे पता चलो कि मेरी धमकी में कितनों दम है। जी आपकी धमकी में दम ना है, वो देखो कौन है। अरे जी कौन है? आपका उम्र देख के बुलडोजर रोका मैं। अभी बाजू हटो, जाने दो मेरे को। सुनो, मैं तुम्हें रोकने के लिए ही यहां आया हूं। आप रोकेंगे मेरे को? कायकू कायकू, आप है कौन? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है कौन आप? उन लोग को देश का चिंता नहीं है, आपको बहुत चिंता है देश का। मैं इस देश का नागरिक हूं और आजाद हिंद फौज का सिपाही हूं। हमारे कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देश से हम हैं और हम से देश। तुमने बोला था ना कि कोई सच्चा और ईमानदार आदमी ही तुमसे बात कर सकता है, इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। सबूत क्या है? क्या सबूत है कि आप ईमानदार हैं? इतना साल इस देश में रहने के बाद भी कभी रिश्वत लिया है दिया नहीं क्या आपने? रिश्वत? हाँ रिश्वत। रिश्वत लेने देने से मेरा क्या संबंध? मैं तो देश का सच्चा सिपाही हूँ, फिर भी हालात से जूझ रहा हूँ। मेरे जिंदा रहने का सबूत तक नहीं है मेरे पास। सरकारी रिकॉर्ड में तो मैं मर चुका हूँ और तुम मुझसे ईमानदारी का सबूत मांग रहे हो। सुभाष चंद्र जी ने हमें ईमानदारी की शिक्षा दी थी लेकिन अफसोस, उसकी कोई कदर नहीं। अरे भाई, ये तो एकदम पक्के देशभक्त है ना। अरे भाई, इनकी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। एक बात बोलो सीएम साहब। हाँ बोलो। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? हैं? अरे आप लोग देश चलाते हैं लेकिन आपके पार्लियामेंट में एक आदमी नहीं है जो सच्चा और ईमानदार है। अगर कोई होता तो ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर के आते? अरे तो काका, अभी आप ही बोलो ना। अब बोलो मेरे को क्या करना चाहिए, बोलो। खेत चाहिए ना तुम्हें, तो किसी खाली पड़ी जमीन से तुम्हारा काम चल सकता है। तो फिर ताजमहल को ही क्यों तोड़ना चाहते हो? ये तो अपने देश की संपत्ति है, धरोहर है, इसे क्यों नष्ट करते हो भाई? अगर सच्चे देशभक्त हो तो देश की भलाई के बारे में सोचो ना। अरे पर इनका क्या भरोसा काका, इन लोगों का क्या भरोसा? अभी क्या गारंटी है कि मैं जो जमीन चुनेगा ये लोग मेरे को दे देंगे, क्या गारंटी है? अरे गारंटी मैं हूँ ना भाई, मैं वादा करता हूँ
कि तुम जो जमीन बोलोगे तुम्हारा नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी। पक्का? हाँ, सीएम साहब ने जो कह दो उसको कह दो। ए सुंदरी, आंते चम्मा आयला। जाम का धरो आचार, अब हमें खट्टो खिलाओगे का? नहीं नहीं। अरे आचार नहीं रे बाबा, विचार। अच्छा विचार करने का और हांडी में से एक चिट्ठी निकालने का। क्या है, हांडी में 10 चिट्ठी है, 10 चिट्ठी में 10 गांव का नाम लिखा है। वो जो आप चिट्ठी निकालेंगे वो गांव का जमीन हमारे नाम पे कर देने का है। बराबर है, अभी तो मैं 10 चिट्ठी निकालेगा तो कल पलटी मार के कल्टी तो नहीं खाएगा ना। पहले तो ये बताओ कि इसमें गांव का ही नाम लिखा है ना। ओके। अरे बड़े भैया, उठाओ चिट्ठी और करो छुट्टी, हमें भी चैन मिलेगा। खत्म करो जाए। पहला पढ़ाई लिखाई किया होता तो अभी तकलीफ नहीं होता ना। अरे गांव का नाम निकला है बुद्रुक बिबड़ापुर। बुद्रुक बुद्रुक बिबड़ापुर हमारा चले। बुद्रुक कागज पे लिखने का, उस पे हस्ताक्षर करने का और नीचे सरकार का मोहर लगाने का, तभी मैं समझेगा कि जमीन हमारे नाम पे हो गया। समझ लो भैया, हो गया, कल का कल हो जाएगा, चिंता मत करो। यार सीएम साहब ने एक बार जो कह दो उसको कह दो यार। तन भैया, अभी तक तो सुना था लोग मझधार पे ले जाके डुबावे, जाने तो हमको किनारे पे लाके डुबा दिया, अब हम का करेंगे? वही जो अब तक करते आए हैं। कहा घंटा हिलाएंगे। हम आपसे नाराज चल रहे हैं बड़े भैया। कहे भाई? अरे जब तुकाराम ताजमहल तोड़ने जा रहा हो तो भाई गिरफ्तार का ही नहीं करवा दो? कितो बड़ो अपराध करो बाने, कोर्ट के आदेश की अवमानना करिए। आप चाहते एक मिनट में उसे गिरफ्तार करवाने के लिए वारंट इशू करवा देते। तुम हो निरे मूर्ख। अरे भैया, अगर हम उसे गिरफ्तार करवा लेते तो वो तो जनता के निगाहों में हीरो बन जाता और हम विलेन, और इसी बात का फायदा अगले इलेक्शन में अपोजिशन वाले उठा लेते। वो तो कहो हमारी किस्मत अच्छी थी जो उसने जमीन मांगी महाराष्ट्र में, बस हमें मौका मिल गया और हमने अपनी सारी समस्या महाराष्ट्र सरकार के कंधों पर डाल दी। लेकिन एक डाउट उठ रहा हुआ हमारे मन में। अब का डाउट है भाई? जो जमीन महाराष्ट्र सरकार बाय देगी वो किसी और के नाम निकली तो? भाई अगर सरकार को ताजमहल बचाना है ना तो वो जमीन खरीद लेगी और सरकार को